पिछले तीन दिनों से न्यूज डिगी की टीम जोशीमठ उत्तराखंड में मौजूद है और यहाँ हम आपको चप्पे चप्पे की रिपोर्ट दिखा रहे हैं, जहाँ जहाँ पर मकान धसे हैं, जहाँ जहाँ पर दरारें आई हैं, सब कुछ आपको हम दिखा रहे हैं। अभी ये देखिए, ये रोड है, यहाँ से लोग जाते हैं, पगडंडी है, ये रोड नहीं बोलेंगे, ये पूरी चटकी हुई है, घर में भी चटकन आ गई है, ये दीवार अलग हो गई है यहाँ से, थोड़ा सा अगर उधर से अगर ये चटकी तो पूरी गिर जाएगी। इसके बाद इसी से जुड़ा हुआ है ये घर, इसी के साथ यहाँ पे आप देखिए कितनी बड़ी बड़ी दरारें हैं, इतनी बड़ी बड़ी दरारें किसी घर में आना कोई मामूली बात नहीं है। और ऐसा ये पहला घर नहीं है, जोशीमठ के ऐसे 730 घर हो चुके हैं अभी तक जहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी दरारें आई हुई हैं। ये देखिए, कैमरा पर्सन से कहूँगी ज़रा फोकस मारिए, दीवार पर ये जो दरार आई है, कितनी बड़ी दरार है, ये पूरी दीवार जो है अलग हो चुकी है इस छत से, लग रहा है किसी भी समय ये टूट जाएगी। उधर से पूरा मलबा निकलने को हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई भूकंप आया है, इसके बाद इसमें इतनी चटकन आई है। लेकिन यहाँ पर भूकंप जैसा कोई माहौल नहीं है अभी तक, भूकंप प्रोन एरिया ज़रूर है ये, लेकिन यहाँ पर भूकंप अभी तक नहीं आया है। ये सिर्फ 2 जनवरी के बाद जो इस इलाके में भूधसाव बढ़ता जा रहा है, उस वजह से ये जो है चटकन आती जा रही हैं। ये देखिए चटकन, ये इतनी बड़ी जो दरार है जो घर में आई है, घर के आंगन में आई है, ये इतनी बड़ी दरार कब आई है, कैसे आई, यहाँ के लोगों से हम बात करेंगे जो इस घर में रहते हैं। सर, आप इसी घर में रहते हैं? हाँ जी। हाँ जी, तो ये दरार जो इतनी बड़ी पड़ी है आपके घर में कब आई है? ये 2 तारीख को सुबह, मतलब 3 तारीख के सुबह सुबह तीन सुबह तारीख की सुबह। कौन सी दरारें आप जरा खड़े कर एक बार दिखा सकते हैं कि 2 तारीख को कौन सी आई है और आज और हाल ही में? ये सारी दरारें सुबह आई थी, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ती चली गई। ये वाली यहाँ से आई हुई, ये वाली दरार अंकल कह रहे हैं कि वाली दरार पहले 2 तारीख को आई थी, 2 तारीख और अब ये बढ़ गई है, इतनी बढ़ गई। आप कुछ कह रहे थे कि पहले उंगली बराबर थी और अब हाँ अभी पूरा हाथ इसमें जा सकता है। हाँ, तो ये कह रहे हैं कि पहले ये इतनी छोटी दरार थी कि इसमें सिर्फ उंगली जा सकती थी, अब ये इतनी बढ़ गई है कि इसमें पूरा हाथ चला जाएगा। ये देखिए कितनी बड़ी दरार हो गई है, ये कितना एरिया कवर कर रही है और किसी भी टाइम ये फट सकती है, हो सकता है। ये देखिए मेरा इतना हाथ तो इसमें अभी तो और भी अंदर जा सकता है, लेकिन जैकेट पहनी हुई है तो कितनी बड़ी दरार है। अब देखिए इसमें इन्होंने मसाला भरने की कोशिश भी करी है, कैमरा पर्सन से कहूँगी दिखाएंगे, ये जो मसाला है ये इन्होंने भरने की कोशिश करी है और ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसमें पानी ना जाए, इसमें अगर पानी और जाएगा तो ये ज़मीन को धंसने में समय नहीं लगेगा। और यहाँ पर ये जो लोग रह रहे हैं, इस घर पर कोई रेड क्रॉस एरिया नहीं, रेड क्रॉस का निशान नहीं लगा है, जैसे जोशीमठ के पूरे इलाके में 730 घरों को मार्क कर दिया गया है, इस एरिया में ऐसा, इस घर में ऐसा कोई मार्क नहीं लगा है। ये देखिए ज़रा दरारें, मैं कहूँगी कैमरा पर्सन ज़रा दिखाएंगे, ये देखिए पूरी सीढ़ी अलग हो गई है, ये लकड़ी अगर हम साइड करेंगे तो आप देख पाएंगे, ये देखिए कितनी बड़ी दरार है, ये पूरी सीढ़ी से अलग हो गई है और ये दरार आगे आते 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 कितनी बड़ी होती जा रही है, यहाँ तक जा रही है ये पूरी दरार। ये लोग घर अपने आप छोड़ रहे हैं, कोई रेड क्रॉस का निशान नहीं है इस घर में। ये देखिए सारा सामान फैला पड़ा है, यहाँ पर लोग अपना सामान उठा रहे हैं यहाँ से। आंटी जी, जरा आप बाहर आएंगे एक बार, आइएंगे आप एक बार आएंगे, सारा सामान आप हटा रही हैं यहाँ से, थोड़ा सा बाहर आ जाइए, थोड़ा सा बाहर आ जाइए। हाँ जी, हाँ जी, थोड़ा सा बाहर आ जाइए। विकलांग है आप? हाँ, मैं बोल पाती, बोल नहीं पाती। कोई और इनकी जगह पे बात कर, अंकल जी आप आएंगे? हाँ जी आए, मैं कैमरा पर्सन से कहूँगी, आएंगे अंदर। हाँ जी दिखाइए, ये देखिए, ये देखिए, बाप रे कितनी बड़ी दरार है, ये देखिए पूरा घर चटक चुका है, कितनी बड़ी बड़ी चटकन आ रही है। ये देखिए ज़रा गद्दे को हम खिसकाएंगे उधर, ज़रा मेरी हेल्प करेंगे आप? हाँ आइए, इधर आइए, ये देखिए पूरी दीवार अलग है, पूरा फ्लोर चटका पड़ा है, ऐसा लग रहा है कोई भूकंप आया है बहुत बड़ा, ये पूरा सब कुछ गिरा हुआ है। ये देखिए ये सारा मलबा अलग हो रहा है इस जगह का, ये पूरी जो इसकी सतह है वो पूरी बाहर निकल के आ गई है और किसी भी समय ये घर धस सकता है, उम्मीद है पूरी पूरी, क्योंकि जो इसके हालात हैं अभी ये पूरा पूरा यही दिखा रहे हैं कि इस घर में कोई भूकंप आया है, कोई बहुत तीव्र गति वाला भूकंप आया है जिसकी वजह से ये हालत हुई है, लेकिन तीव्र गति वाला भूकंप है नहीं, ये हालत जो है इस घर की सिर्फ इस वजह से हो रही है क्योंकि 2 तारीख से यहाँ पर धसाव जारी है। देखिए कितनी बड़ी बड़ी दरारें हैं, पूरा ये जो पूरा जो इसका सीमेंट है पूरा अलग हो रहा है, ये आप देखेंगे नीचे ये मलबा पड़ा भी हुआ है इसका, ये जो मलबा है ये इसी दीवार से गिरा हुआ है, कितनी बड़ी बड़ी दरारें हैं और इस घर को
रेड क्रॉस नहीं किया गया है अभी तक। 730 घरों में इसको काउंट ही नहीं किया गया है। यहाँ के लोग इस घर को खुद ब खुद छोड़ के जा रहे हैं। आप सामान देख रहे होंगे, ये लोग अपना सामान खुद शिफ्ट कर रहे हैं, खुद हटा रहे हैं, यहाँ से होटल में रुक रहे हैं, लेकिन दिन में ये लोग यहीं पर रहते हैं। इस घर में रहना कितना खतरनाक हो सकता है आप सोच सकते हैं। इस घर से ये लोग अपना सामान हटा रहे हैं। यहाँ पर भी कोई इधर आ रहे हैं आंटी? इस ये तो आपकी सीलन आई हुई है, इधर तो कोई किधर है, किधर? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हाँ जी, ये भी बता रही हैं, लेकिन ये तो सीलन की वजह से ज्यादा लग रहा है हमें। पर मैं कैमरा पर्सन से कहूंगी एक बार विजुअल लेंगे आप। देखिए इधर देखिए, ये देखिए, ये जो बता रही हैं, ये दीवार के नीचे का हिस्सा, पहले ये टूटा हुआ नहीं था, नहीं ये अभी हाल ही में टूटा। वो तो सीलन है आंटी, वो तो सीलन आई हुई है, पानी कहीं से रिस रहा है इस वजह से सीलन है। तो ये लोग अपना सामान हटा रहे हैं यहाँ से, और यहाँ से जाने की पूरी पूरी तैयारी, लेकिन दिन में ये लोग यहीं रहते हैं, इस घर में ही रहते हैं। और इधर अगर हम आते हैं तो इधर भी हम देखने की कोशिश करेंगे कोई सीलन है या नहीं, कोई दरार यहाँ इस इधर तो हमें कुछ भी नहीं मिला। उधर ही उसी कमरे में हमें बहुत बड़ी दरार देखने को मिली है, और बहुत बड़ा हिस्सा उसका क्षतिग्रस्त हो चुका है, ध्वस्त होता जा रहा है। और ये लोग अपना सामान पूरा हटा रहे हैं यहाँ से। रात को ये लोग होटल में रुकते हैं, और दिन में ये लोग यहीं रहते हैं, यहाँ ये लोग आग ताप रहे हैं। आंटी जी, ये जो पूरा ये जो आपका ये जो आंगन है पूरा धंसता जा रहा है, फिर भी आप यहाँ बैठी हैं? अब ये मजबूरी है। हाँ जी, हाँ जी। दिन में तो हम यहाँ बैठते हैं, अपना सामान की देखभाल करते हैं। कल यहाँ पे कोई आ गया यार, हमारा सामान अकेले से उठा दिया, तो हम फिर सामान कहाँ से करेंगे? हाँ, अब जब जिस दिन हमें जाना हो गया, उस सरकार बोलेगा हमें कि तुम चले जाओ यहाँ से, उस दिन जो है हम अब तब हम बैठेंगे। तो सामान आप हटा रही हैं यहाँ से, सरकार ने बोला या अपने आप हटा रही हैं? नहीं, बोल रखा उन्होंने, बोल रखा लेकिन है। निशान नहीं लगाया रेड क्रॉस? नहीं, अभी निशान नहीं लगा। 730 मकानों में इस मकान को भी गिना ही नहीं है, बस आपसे बोल दिया है कि हटा लीजिए यहाँ से। हाँ, बोल दिया। कहाँ इंतजाम किया आपका रहने का? अभी हम कमरा करेंगे। कहाँ कमरा? होटल में मिला आपको कमरा? हाँ, होटल में कमरा मिल रखा है। रात को वहीं रहती हैं? वहीं पे रात को वहीं रहते हैं, नगर पालिका में हमें खाने की व्यवस्था हो रखी है। तो वहाँ पे खाना आना खाने वहाँ चले जाते, मत कर कुछ। और यहाँ पे जो है कि हम अभी नहीं छोड़ पाते हैं ना हम। तो यहाँ पे कितने सालों से रह रही थी आप? ये तो हमें सन भी पता भी नहीं है, वो सास ससुरों के जमानों के है ये। तो अब इस घर को छोड़ना पड़ेगा, इस घर में इतनी बड़ी बड़ी दरारें हैं, पूरा ये कमरा आपका ध्वस्त हो चुका है। कैसा लग रहा है? बुरा लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है। किसको जिम्मेदार मान रही हैं इन सब के लिए, जो आपका इतना बड़ा ये जो लॉस? जिम्मेदार तो किसको मानना है, ये कंपनी वालों का काम है, जिन्होंने आज ब्लास्टिंग कर करके पूरा उत्तराखंड को धसा दिया है। अब वहाँ पे देखो क्या है, वो हेलंग में, हेलंग में एनटीपीसी वाले है, तपोवन में एनटीपीसी वाले है, यहाँ पे जो है कि नीचे बिशुन प्रयाग में एनटीपीसी वाले हैं, जेपी में। तो इन लोगों ने जो इतनी बड़ी बड़ी मकाने लगा दिया है, इनका काम चल रहा है, तो ये धरती हिलेगी नहीं? ये तो हिलेगी। अगर सपोज ये लोग यहाँ पे ये काम नहीं करते, तो आज ये धरती हिलती नहीं, और हम लोग यहाँ से जाते नहीं। मजबूर हमें सरकार ने मजबूर कर दिया। सरकार ने मजबूर किया, एनटीपीसी वालों ने किया, वो सरकार ने क्या करना था? तो हम यही चाहते है कि भैया सरकार को ये चाहते हैं कि हमारे पूरे से पूरे भुगतान हमें मिले। भुगतान मिल जाएगा, लेकिन मकान जिसको आपने पाई पाई करके बनाया है, अपनी खून पसीने की मेहनत से, भुगतान क्या उसका? कोई भी भुगतान आपके लिए पूरा पड़ पाएगा? कोई भी मुआवजा अगर आपको मिलेगा? नहीं पड़ पाएगा। सरकार अगर आपको मुआवजा देती है और कह देती है घर छोड़ जाइए, कैसे छोड़ेंगे आप? अपने घर कैसे छोड़ेंगे? नहीं छोड़ सकते है ना। हमारे तो इतने कब के जमानों के है, आज का तो है नहीं। आज तो ऐसा है कि हम सभी जगह जगह में रहते हैं, पर जो अपनी पुस्तरों की जमीन है ये अलग बात। पुस्तैनी जमीन है आपकी, मातृभूमि को कोई ऐसे नहीं छोड़ता, ये नहीं छोड़ने का मन करता ना हम छोड़ेंगे इसे। हम यहाँ से हर जगह से लिंक है, यहाँ पे हम वो भूटिया जनजाति के लोग है, और हम भोटिया जनजाति के लोग हैं, तो हम जो है कि 6 महीने हम मनारी में रहते हैं, 6 महीने हम यहाँ जोशीमठ में रहते हैं, और 6 महीने हम अपना
इधर उधर भी रहते हैं, जैसे मेहमानदारी के तौर पर चले गया है, तो हम इस टाइम इस ढंग से हम यहाँ पे रहते हैं। तो ये हमारी मातृभूमि है, इस भूमि को हम कैसे छोड़ेंगे? हमारा मन कैसे करेगा कि हम यहाँ से जाएंगे? करेगा नहीं करेगा? कितने कितने लोग हैं आपके परिवार में अभी? ये सारे हमारे अपने परिवार के हैं। अच्छा, तो इतने बड़े परिवार को आप लोगों को यहाँ से अपना उठाना पड़ेगा बोरिया बिस्तर, और कब आना होगा इस मकान में भी कोई कोई कुछ पता इसके पता तो कोई गारंटी नहीं है कि कब हम इस मकान में आए, क्या होता क्या नहीं होता, क्योंकि धीरे धीरे ये टूटता जा रहा है, जर्जर होता जा रहा है। पहला मकान पहले कमरे में अभी इतनी बड़ी दरार आ गई है, आगे कोई आपने देख ही लिया होगा। अब हम ये है कि हम यहाँ पर रह रहे हैं, खतरे से खाली नहीं है यहाँ भी रहना, ये आंगन पूरा चटक चुका है। अंकल जी बता रहे थे इतनी सी दरार थी पहले, अभी वो बढ़ते बढ़ते इतनी हो गई कि मेरा पूरा हाथ चला है, इतना हो गया। अभी आप यहाँ बैठ के आग सेक रहे हैं, कितना खतरा है आपको इधर? खतरा है, पर हम क्या कर सकते हैं? अभी तो हमारे जाने का कोई साधन ही नहीं है। अब सरकार बोलेगा तुम्हें हम भाई भी इतने हम तुम्हें ये करेंगे वो करेंगे, तुम्हें जमीन दिलाएंगे, मत कर बेटा, जमीन दिलाएंगे ये करेंगे, तो तभी तो हम अपने इस घर को छोड़ेंगे, कुछ करेंगे नहीं। सरकार जमीन दे दे, मुआवजा देगी, जमीन दे देगी, छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे, कैसे छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे ना। हम फिर आएंगे अपने घर में, अभी तो सुरक्षित के लिए भेज रहा है सरकार ना हमको, तो तब हम फिर अपने घर में आएंगे, अपना घर। ये भूमि जो है बेटा, ये बद्रीनाथ के लोग जो है कि बॉम्बे के लोग यहाँ आते हैं, इलाहाबाद के लोग यहाँ आते हैं इस घूमने, टूरिस्ट लोग यहाँ आते हैं। ये लोग क्यों आते हैं? जब इनको ये स्थान अच्छा लगता है इसीलिए आते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ के लोगों से बात करी, लोगों का कहना है कि चाहे कितनी भी बड़ी मुआवजे की रकम इनको मिल जाए, लेकिन इनका जो जो इस मकान से इनके इमोशंस जुड़े हैं, जो खून पसीने की मेहनत से इन्होंने ये मकान बनवाया है, इसे छोड़कर जाना बहुत मुश्किल है। सुरक्षा के लिए ज़रूर जाएंगे इस मकान को छोड़कर, लेकिन जो इनके जज्बात हैं, जो इस मकान से जुड़े हैं, वो कहीं नहीं जाएंगे, वो कोई भी मुआवजा उसकी भरपाई नहीं कर पाएगा। यहाँ की राज्य सरकार से इनकी और सबकी बस यही अपील है कि इस संकट से जल्दी लड़ा जाए, क्योंकि ये जो जो दरारें हैं बढ़ती ही जा रही हैं दिन पे दिन। 2 तारीख को ये छोटी थी, आज 14 जनवरी को ये कितनी बड़ी हो चुकी हैं, और आगे आने वाले समय में कोई पता नहीं है कि ये इन दरारों का सिलसिला कब थमेगा। बहुत बड़ा सवाल है ये। कैमरा पर्सन प्रेक्षा के साथ मैं प्राची, न्यूज़ डिगी, जोशीमठ, उत्तराखंड।